श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों क्या आप पशुपति व्रत करने की सोच रहे हैं? अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हो और आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर हमारा व्रत टूट गया या फिर रजोधर्म आ गया या फिर दूसरा व्रत आ गया तो हम क्या करें, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप अंत तक जरूर सुने। अब एक प्रश्न अड़ता है पशुपति व्रत का, शायद सभी के मन में ये प्रश्न होगा कि गुरु जी पशुपति व्रत जब हम करते हैं और उस व्रत वाले दिन मान लो कोई त्योहार पड़ जाए, जैसे अभी कहीं गणगौर तीज पड़ जाए या फिर कोई एकादशी पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, और हम एकादशी भी करते हैं, हम गणगौर का व्रत भी करते हैं या हम दूसरा कोई व्रत भी धारण करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, बीच में अगर कोई विशेष त्योहार का कोई व्रत पड़ रहा है तो आप त्योहार का व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत में से तीसरे सोमवार को या चौथे सोमवार को या पांचवे सोमवार को या दूसरे सोमवार को आपका जिस दिन व्रत है और उसी दिन गणगौर तीज पड़ गई, उसी दिन एकादशी पड़ गई, उसी दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ गया तो आप वाला व्रत कर, इस व्रत को आप अगले सोमवार कर लो। और अगर नहीं पड़ता है बीच में कोई व्रत तो आपके व्रत पूरे संलग्न करो। माताओं के बीच में व्रत करने में हो सकता है बीच में कहीं रजोधर्म आ जाता, रजस्वला धर्म आ जाता, तो उसके लिए भी वर्णन किया गया कि आप उस समय पर मात्र व्रत रखो, पूजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, भोजन करो एक समय का जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करो, पर व्रत छोड़ना ना। हाँ, अगर एकादशी पड़ गई है तो फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उसके विधान से करो, आप तीज पड़ गई है तीज का व्रत कर रहे हो तो आप उसके विधान से करो, पर उस विधान से हट। और पशुपति नाथ के व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ का, सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, पूजन करना है, आराधना करना है, अर्चना करना है, स्नान पंचामृत से कराना, सब कुछ करना और आदि कादि पूजन करके पूजन की थाली को वापिस ले आना, घर में रख देना, पूजन की थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम को अलग से नहीं रखना पड़े, चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो और थोड़ा सा उसमें से लेकर आएंगे वही शाम को वापिस जाए वही, और शाम को फिर जाएं, छह दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं, घर से तीन हिस्से कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ प्रसाद लेकर जाएं, मंदिर में बैठो जब पूजन करो आराधना करो तब उसके तीन हिस्से करो। शाम के समय पर दूध दही से स्नान नहीं कराना, शाम के समय पर मात्र जल का छींटा, अगर पंचामृत रखा है तो पंचामृत का छींटा दे दीजिए, फिर जल का छींटा दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पर बाबा का श्रृंगार हो जाता है कई मंदिरों में, आप लोग अगर चढ़ाएंगे तो पंडित जी को तकलीफ हो सकती है कि अभी हमने श्रृंगार करा। बाबा का पूजन अर्चना करो, चंदन अबीर गुलाल जो चढ़ाना है चढ़ाए, बेलपत्र धतूर आदि जो भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ाए, प्रसाद के तीन हिस्से कर दो, पांच दिए शिव जी के सामने बाबा से दूरी पर, ऐसा नहीं कि बाबा का, जो कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिसपे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्त कम है, मां जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है, ये इस पे दिया नहीं रखना। तीन हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना, आपको जमीन पर रखना, नीचे रखना, भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना, जहां जलाधारी होती है उस पे शिवलिंग रखा होता है, तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए, आप जो दोना है, जो कागज है दोना है प्लेट है जो है उसमें तीन हिस्से करके आप रख भूमि पर, पीठ के ऊपर नहीं, दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है बाबा से, बाबा को पांच दिए वहां पर प्रज्वलित करो,
दो प्रसाद के हिस्से वहीं छोड़ो, पहला व्रत जब करो तो बाबा से निवेदन करो कि मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। पांच दिए जब बाबा के सामने प्रज्वलित करो, एक एक दिए को जलाते समय अपने मन में कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर बाबा के दीप प्रज्वलित करो, फिर बाबा को नमन कर एक दिया वापिस लेकर जिस दिए को आपने लगाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को लाइए, मीठे का एक हिस्सा प्रसाद का लेकर चलिए घर के दरवाजे पर। आप घर में जहां प्रवेश कर रहे हो, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जा रहे हो, आपका सीधा हाथ जाते समय सीधा हाथ अंदर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहां पड़े उस सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर बड़े आनंद के साथ छठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो, और छठा दिया प्रज्वलित कर बाबा से निवेदन करो, बाबा ये घर का द्वार है, आपका इंतजार है, मेरे मन की ये कामना है मेरे भोलेनाथ, इसको पूर्ण करना, मैंने पशुपति व्रत लिए हैं आपके लिए हैं, आप कृपा करना। बाबा से निवेदन कर बाबा से विनती कर अपने घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद को पाइए, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा मत दीजिए। आप दो हिस्से देकर आ गए ना, फिर इस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना, आपको ये प्रसाद भोजन करने से पहले पाना। अब कई लोगों ने कह दिया कि मिठाई खाना है, ऐसा नहीं है, आप तो भोजन करो ना शाम के समय, भले उसमें नमक डला हो कुछ भी डला हो तो बड़े प्रेम से बता, आप नमक युक्त भोजन कर सकते, ऐसा नहीं कि मिठाई मीठा खाना। पशुपति व्रत पांच, पांचवा व्रत जैसे ही पूर्ण हो, उस पांचवे व्रत की पूर्णता में 108 या तो बेलपत्र या चावल का दाना या मूंग का दाना या पुष्प या जो तुम्हारा मन पड़े 108 तुम्हें जो चढ़ाना हो वो बाबा को समर्पित करो। पांचवे व्रत में ही शाम के समय पर पूर्ण विराम व्रत को दे दीजिए, एक श्री फल पर कुछ भेंट रखकर 11 रुपए आदि जो भी रखना हो आपकी मर्जी है वो रखकर हथेली में वो नरियल बाबा से विनय कर समर्पित कर दो, और बाबा से बोल कर आवाज, मेरे पांच व्रत पूर्ण हुए, बाबा आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना देना, अधिदेव महादेव मेरी झोली भर देना, बस बाबा से ही, बाबा से ही प्रार्थना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मामा से निवेदन कर दो, और पशुपति व्रत में दिखावा नहीं करना, मैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैंने जो व्रत करा वो अच्छा रहा, मैंने जो व्रत करा मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ये दिखावा नहीं। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रव और कंस, अभिमान में नहीं रहना अपना, प्रेम में, स्नेह में। पशुपति व्रत में वो बल है, वो बल है, आप व्रत करोगे और शिवजी दौड़ कर